पलवल की अनाज मंडी की सभा में एडीसी, एसडीएम, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की मौजूदगी में पलवल अनाज मंडी के प्रधान गौरव तेवतिया उफ भोलू ने आड़ती भाइयों और किसान भाइयों की बातें रखी और मंडी की सारी परेशानियां इनके आगे रखी, तो इनमें से कुछ परेशानियों का हल निकाला गया और कुछ परेशानियां जल्द ही दूर की जाएंगी। आज आपने जो ये पलवल अनाज मंडी में सभा जोड़ी है, किस पर्पज से जोड़ी थी और कौन कौन इसमें शामिल थे? ये सभी महकमे के जितने भी हमारे एफआर हो, वेयर हाउस हो या फूड सप्लाई हो, ये सभी के इंस्पेक्टर और डीएम वगैरह थे, और एडीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने, दोनों ने साथ मिलकर, हमारे साथ मिलाकर उनको ये बातें कराई कि भाई हमें आपकी बारी मंडी में किस सुविधा से और कोरोना से बचने के लिए किस तरीके से हम लोगों को, किसानों को बचाना है, लेबर को बचाना है और उनकी माल को किस तरीके से मंगाया जाए, तो ये सारे डिस्कस हुए थे हमारे साथ। और ट्रांसपोर्टर भी बुलाए गए थे जिसमें कि वो लोडिंग, अनलोडिंग और गोदामों में लेबर के लिए तुम्हारी सुविधा क्या है, ये उन सारी चीज़ों की डिटेल किसानों से पूछा गया कि किसान की संतुष्टि है, सरसों की खरीद जो हो रही है उसके बारे में पूछा गया कि अब रिलैक्स है या ठीक हो कैसे। तो यहाँ आड़ती भाई और किसानों को भी मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, ये तो जरूरी है बहुत आज की डेट में, हमारे यहाँ जो कोरोना से महामारी की जो चल रही है, इससे लड़ाई इतनी भयंकर रूप से चल रही है कि हम सभी जितने भी हमारे किसान भाई और आड़ती भाई हैं, इनसे सबसे अपील करता हूँ कि सभी अपना मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह पहन के रखें और सही ढंग से टाइम टाइम पर अपने हाथ को धोएं और मंडी में माल लेकर आएं, कम से कम संख्या में आएं, एक आदमी आए साथ में और दूसरा कोई ना आए, जिससे हमारा सोशल डिस्टेंस भी बना रहे। आपको सभी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में इस कोरोना से बचाव।